12 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के छठे चरण में चुनाव हुए थे, लोगों ने वोटिंग की थी। बड़ी खबर आपको बता दें कि जब वोटिंग हुई थी उसके बाद ईवीएम मशीनों को स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है। मशीनों के साथ किसी तरह की गड़बड़ी ना हो इसके लिए 3 लेयर में सुरक्षा भी लगाई गई है। वहीं ईवीएम सुरक्षा को लेकर एडीसी और एसपी यमुनानगर का यह कहना है कि स्ट्रॉन्ग रूम कड़ी सुरक्षा के बीच है, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं, किसी तरह की कोई दिक्कतें परेशानी नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले अशोक तंवर ने भी सवाल कई तरह के उठाए थे और तरह तरह की बातें की थी, जिसको लेकर विवाद भी पैदा हुआ था। हालांकि सफाई उसके बाद दे दी गई थी किसी तरह की। ऐसे में सवाल कांग्रेस उठाती है कि लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खतरा है, उसके लेकर वो कुछ भी कर सकती है, अशोक तंवर भी ये कहते हैं। तो दूसरी ओर प्रशासन कहता है कि हमारी ओर से 3 लेयर सुरक्षा है, कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, 24 घंटे सीसीटीवी की नजरें भी स्ट्रॉन्ग रूम पर ही टिकी हुई हैं।